पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स वालों को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है लॉजिस्टिक का। गली के कोने कोने पर लॉजिस्टिक की कंपनीज खुल गई हैं। बड़ी कंपनीज जो हैं वो कहती हैं हमें मिनिमम इतने पार्सल दो। छोटा सेलर जो अपनी वेबसाइट बना के बैठा हुआ, अपना इंस्टा अकाउंट बना के बैठा हुआ, उसके पास तो महीने के आ रहे 30-40 ऑर्डर हैं, वो बेचारा क्या करे। उनके लिए छोटी छोटी लॉजिस्टिक कंपनी खुल गई है, लेकिन वो फ्रॉड कर रही हैं। वो कहते हैं 50 रुपये में कराची में आपका पार्सल डिलीवर कर देंगे, सेम डे डिलीवरी, और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। करते भी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बोलते हैं पार्सल हमें दे दो कैश ऑन डिलीवरी का, आपको हम पेमेंट एडवांस में देंगे। देते भी हैं, लेकिन एक महीने तक। एक महीने के बाद जब आपके 250 ऑर्डर उनके पास जमा हो जाते हैं, अब वो कहते हैं कि वीकली पेमेंट आएगी। ये बहुत अहम मसला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हर वो बंदा एग्री करेगा जो ई कॉमर्स का काम पाकिस्तान में इस वक्त कर रहा है। कहता भाई हफ्ते हफ्ते पेमेंट आएगी, वेंसडे या थर्सडे को। आती भी है एक महीने तक। उसके बाद जी हमारा अकाउंटेंट चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो मेरे खुद के काफ़ी पैसे फंसे हैं। तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ। अब इसका हल मैंने क्या निकाला, मैंने इसका सिंपल ये हल निकाला कि आप अपनी दराज की अकाउंट भी चलाते रहें, अपना इंस्टा फेसबुक पर मार्केटिंग भी करते रहें। आपका जब आपकी वेबसाइट से कोई ऑर्डर आए या आपका कभी इंस्टा से ऑर्डर आए, आप जाएं अपने कस्टमर के बिहाफ पे अपनी दराज की दुकान पे वही सेम ऑर्डर प्लेस कर दें। आपको लॉजिस्टिक का पैसा भी कम पड़ेगा, आपके पैसे भी अकाउंट में आएंगे, और आपकी डिलीवरी भी टाइम पर होगी।